चुनाव के बीच आरक्षण का मुद्दा गरमाया। आरएसएस चीफ के बयान पर राहुल का पलटवार, बोले आरएसएस प्रमुख ने किया था आरक्षण का विरोध। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये हम कभी नहीं होने देंगे। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच भैया, हैव अ नाइस डे। चुनावी माहौल के बीच आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी सत्ता में आने पर संविधान में बदलाव करेगी और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसी को लेकर बीते दिन आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान देते हुए कहा कि वह आरक्षण के खिलाफ नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस चीफ पर जमकर निशाना साधा है। राहुल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत की संघ हमेशा आरक्षण का समर्थन करता है के बयान को लेकर कहा कि वह संघ प्रमुख ही थे जिन्होंने अतीत में आरक्षण को लेकर अपना विरोध किया था, वह आरक्षण का विरोध करते हैं। राहुल और मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। लोकतंत्र, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकले। कॉन्स्टिट्यूशन नींव थी, बीज था, और उसमें से ये चीजें निकली। अब ये लोग चाहते हैं कि इसको नष्ट किया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनको खत्म किया जाए, और आरएसएस और बीजेपी के राजाओं को देश के राजा बना दिया जाए। अब देखिए, आप मैं आपको बताता हूं, देखो आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो, हिंदुस्तान की जो शिक्षा का सिस्टम है उसमें आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो, सारे के सारे आरएसएस के आदमी हैं। अभी मैं यहां आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे कर रहे, अंदर जाके कहते आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए।